नमस्कार दोस्तों, पिंकी किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम मनाने जा रही हूँ हैदराबादी स्पेशल भगारा बैंगन। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया। अब हम उस पर 2 चम्मच तेल डाल देंगे, 1/4 चम्मच मेथी डाल देंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे, 2 चम्मच मूंगफली डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम खसखस डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम जीरा डाल देंगे, साबुत जीरा है। फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। 1/2 कटोरी पिसी हुई हम नारियल डाल देंगे, फिर हम उसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो हम इसको निकाल के पीस लेते हैं। तो देखिए हमारा पेस्ट बन चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 से 7 बैंगन ले लिया है, उसको हम बीच से इस तरह से काट लेंगे। तो हमने सारे बैंगन काट लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख देंगे, हम 3 चम्मच तेल डाल देंगे, 3 चम्मच तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम बैंगन को फ्राई कर लेंगे। हमारा बैंगन भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, हम उतार लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, 2 चम्मच हम सरसों डाल देंगे, फिर उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम काटे हुए हरी मिर्च डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 4-5 इस्तेमाल की हूँ हरी मिर्च का। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको हम मिला लेंगे। प्याज हल्के से भून जाए तो हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे, फिर इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला जब भून जाए तो हमने जो पेस्ट बना के रखी थी हम उसको डाल देंगे और अच्छे से पका लेंगे। हमारा मसाला पक चुका है, ये 6 से 7 मिनट लगता है पकने के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा मसाला का जो स्मेल है चला गया है, तो हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसका मिला लेंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम जो बैंगन फ्राई करके रखे थे हम इसको डाल देंगे, इसको मिला लेंगे एक बार। आप 10 मिनट तक ढक के पकने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा भंगरा बैंगन पक चुका है, तो हम काटे हुए धनिया डाल देंगे और इसको निकाल देंगे।
तो देखिए हमारा भगारा बैंगन बन के बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, आप भी इसको घर में ज़रूर बनाएगा। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।